So, like, are there any particular educational or professional qualifications that applicants must like possess to qualify for like AIIMS initial skill assessment? तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि हमने सर इंटर्नशिप की थी ड्यूरिंग द स्टडी, वो एक्सपीरियंस में नहीं काउंट होगी, एक्सपीरियंस चाहिए होगा वंस यू सी. सो हाउ डज एकेडमिकली हेल्प द लैब टेक्नीशियंस एंड साइंटिस्ट्स टू पास दिस एग्जाम? इंडिया में सैलरी जैसा कि हम जानते हैं कंपैरेटिवली काफी लो है, तो ऑस्ट्रेलिया में एवरेज सैलरी क्या होता है एक लैब टेक्नीशियन का या एक साइंटिस्ट का? So, hello everyone and welcome back to Academically. I am Suniti, your host, and today we have got a topic that's super important for all the lab technicians and scientists looking to work in Australia, the AIIMS Initial Skill Assessment. And also, guess what? Our very own Dr. Akram, the founder and CEO of Academically, is here to break it all down for us. So, get ready to learn all about it. Welcome, sir, and thank you for joining us. Yeah, thank you so much, Suniti. So basically, today's video is going to be happening, you know, ke jo lab technician looking to migrate to Australia. So we are going to discuss it to the process, specifically the focus on the skill assessment, the part one, A to Z information. Yes, sir. Sir, I want to start with my first question, that what is the AIIMS initial skill assessment and how does it benefit lab technicians and scientists seeking to work in Australia? Also explain the eligibility criteria for this assessment along with this. Yes, so any lab technician want to work in Australia, want to register themselves as laboratory medical scientist in Australia, laboratory medical technician in Australia, so the minimum requirement basically is you must complete your bachelor degree like BMLT or BSc MLT, and plus you must have at least 2 years of working experience. तो इसके असेसमेंट का जो फीस है AIIMS की साइड से वो है 900 AUD. इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इफ यू आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपको 990 AUD इसकी जो फीस है वो जमा करनी होती है. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन सर. सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि इस पूरे इनिशियल स्किल असेसमेंट का प्रोसेस कितना टाइम ले लेता है, लाइक इसके लिए कितने मंथ्स चाहिए या कितने डेज चाहिए, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन सबमिशन या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर पूरा असेसमेंट का आउटकम का ये पूरा प्रोसेस कितने टाइम का रहता है? यस, तो इसमें इन जनरल लग जाते हैं, AIIMS भी बोलता है कि अप टू 6 मंथ, मगर 4 to 6 मंथ लग जाते हैं बिकॉज दे नीड टू वेरीफाई जो है आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, एंड दे आल्सो नीड टू वेरीफाई योर वर्क एक्सपीरियंस, एंड इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट कि दे आल्सो नीड टू सी कि आप अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड एज ए लैब टेक्नीशियन है या नहीं. तो इन इंडिया देयर इज सम स्टेट दे हैव दिस फैसिलिटी गवर्नमेंट की साइड से, सम स्टेट में नहीं है, तो आप कोई भी जो प्राइवेट एसोसिएशन है वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और वो भी यहाँ पर AIIMS में एप्लीकेबल है. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना होगा किसी एसोसिएशन के साथ में, तो उसमें अप टू 6 मंथ लग जाते हैं, 4 to 6 मंथ टाइम लगेगा आपको एटलीस्ट. ओके सर, थैंक यू. सो सर, कुड यू ऑल्सो प्लीज प्रोवाइड अस अ डिटेल ऑन इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन एप्लीकेशन फॉर द AIIMS इनिशियल स्किल असेसमेंट? यस, तो अगर आपको यू नो इफ यू डिग्री आपकी ट्रांसक्रिप्ट और जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, एंड प्लस आपका जो सिलेबस है वो चाहिए, एंड आल्सो यू मस्ट बी रजिस्टर्ड इन एनी यू नो द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए. तो जो वर्क एक्सपीरियंस है इसमें इंपॉर्टेंटली आपके अगर पास में पे स्लिप्स हैं या आपको बैंक स्टेटमेंट या आपने कभी जो है कुछ टैक्स पे किया है, जो भी आपने किया है, सारे डॉक्यूमेंट मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने चाहिए. यू नीड टू शो कि आपने कैसे वहां पर जॉब किया है, और जॉब के अंदर भी जो है ना जो लेटर लेंगे आप उसमें क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, आप करते क्या थे वहाँ जॉब के अंदर, है ना, तो ये भी एक मेंशन करना होगा उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर. तो अपार्ट फ्रॉम दिस यही है कि आपका जो है फिर आपका पासपोर्ट भी वो मांगना होगा, और जो आपकी आधार कार्ड है कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड है ना, तो आपके फोटोग्राफ चाहिए होते, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अंदर जो है चाहिए होंगे. Okay, sir. So, sir, moving forward to my next question, that is very important. It is eligibility. So, like, are there any particular educational or professional qualifications that applicants must like possess to qualify for like AIIMS initial skill assessment? Yes, minimum 3 years ki degree kiya ho after 12th in laboratory medical science, whether it is a BSc MLT or BMLT in case of India. But if you are from any other country also, 3 year ka jo apna education liya wo hoga plus 2 year ka वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर यू कम्प्लीट दिस डिग्री. तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि हमने सर इंटर्नशिप की थी ड्यूरिंग द स्टडी, वो एक्सपीरियंस में नहीं काउंट होगी,
एक्सपीरियंस चाहिए होगा वंस यू कंप्लीट आपकी डिग्री के बाद, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है उसके बाद में आपको ये चाहिए. तो ये एलिजिबिलिटी है एम्स का स्किल असेसमेंट के लिए और टू मार्केट ऑस्ट्रेलिया और यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया. Now, just coming to the end, as you said, like how important the AIIMS exam is. So, sir, academically, as we provide courses on these similar thing like AIIMS, APC, AMC, so how does academically help the lab technicians and scientists to pass this exam? Yes, so we provide interview assistance. We will help you into your skill assessment. We provide coaching to pass the exam, you know, and we'll assist you in your EOI and visa process. And we will also help you to get a job, you know, in Australia. In assistance, basically, कैसे आपको यहाँ job मिलती है? आपका CV, cover letter need to change. कौन-कौन सी website पे आपको job apply करना है? कौन-कौन सी consultancies यहाँ पे हैं? So everything we will provide you. Yes, sir. Also, there is one more question that usually ऐसा होता है कि salary का काफी ज़्यादा issue होता है और लोग salary के वजह से ही लाइक इस प्रोफेशन में घुसते हैं कि मेरे को इस सैलरी पे जाना है. तो लाइक इंडिया में सैलरी जैसा कि हम जानते हैं कंपैरेटिवली काफी लो है, तो ऑस्ट्रेलिया में एवरेज सैलरी क्या होता है एक लैब टेक्नीशियन का या एक साइंटिस्ट का? हाँ, इसका सैलरी लगा लो 80,000 से लेके 1,00,000 के बीच में रहेगा ऑन एन एवरेज. कोई भी लैब टेक्नीशियन या जो है साइंटिस्ट माइग्रेशन करता है तो ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑन एन एवरेज इंडिया में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी रहेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में इंडियन रुपीज में पर मंथ. Okay, that's great. So now, sir, before we end this, I request you to say something for the aspiring lab technicians जो चाहते तो हैं ऑस्ट्रेलिया जाना पर उनको हिम्मत नहीं हो पाती है कि हम कैसे करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, वीजा कैसे मिलेगा, तो उनके लिए आप बस एक वो दे दो इन्फॉर्मेशन. पूरा जो टाइम लगेगा वो मैक्सिमम लग जाएगा आपको 1 साल, और मतलब 10-10 महीने से लेकर 12 महीने तक के बीच तक पूरा काम हो जाएगा इन जनरल. पर इफ यू आर लुकिंग टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया और एनी कंट्री तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा. बहुत सारे स्टूडेंट बेसिकली सोचते रहते हैं स्टेप नहीं ले पा रहे हैं कि हमको करना चाहिए या नहीं, तो हम मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली आपको आना चाहिए इफ यू वांट टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली यू नो. अगर आप कुछ करना है बड़ा लाइफ में तो रिस्क लेना पड़ेगा और आपको जो है कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा. तो मैं कहूँगा इट्स द राइट टाइम फॉर यू बिफोर लैब टेक्नीशियन लुकिंग टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया. तो टुडे कॉन्टेक्ट टू एकेडमिकली एंड वी विल हैव टू हेल्प यू. Thank you, sir. Thank you for sharing all the information related to AIIMS exam, initial skill assessment and the whole procedure. And we really appreciate all of you for watching us. And we regularly come up with a lot of content related to a lot of courses. And you can also visit our website and our team will connect with you. And we also have a lot of scholarships going on. So you need to pass one of the exams and you will get different scholarships from our side as well. And we also on a plus side, we have a loan facility where you can take up the loans and pay us in the EMI options up to 12 months, which is amazing for a student as you will go to your dream country. So thank you, sir. Thank you for sharing all your knowledge and information. And thank you, everyone. That is a wrap up for today. We thank you for watching and please subscribe to our channel. Thank you so much. Thank you, Smriti. Thank you. Thank you, sir.